नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं कुशलगढ़। ये इंदौर से 70-80 किलोमीटर दूर है और ये पूरा वीरान पड़ा हुआ किला है। ये देखिए, यहाँ बाहर गेट पे 3 तोप पड़ी है, एक ये और एक ये। ये राजा कुशलगढ़ का किला था। ये 500 साल पुराना बताते दादा। और ये मेरी बाइक रॉयल इनफील्ड, जय हो भैरू महाराज। ये देखिए, ये मसाल होने लगती थी यहाँ। और ये किले का मेन एंट्रेंस है, ये आने का पूरा। ये दादा बैठे हैं 70 साल से चौकीदारी कर रहे हैं किले की। क्यों दादा, बताओ किले के बारे में कुछ। अब क्या बताएं यार, पुराने जो थे राजा वगैरह सब खत्म हो गए बेचारे। क्या क्योंकि 70-75 साल से मैं यहाँ पे हूँ, रखवाली बिल्कुल कर रहा हूँ जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मेरी ईमानदारी बहुत है। नहीं बिल्कुल, जभी तो आप टिके हैं। और हम 4,000 में क्या पूरा पड़ेगा? नहीं पड़े, आप ही बताओ। नहीं नहीं, कि अगर यूँ बोलेंगे तो आप भी कहोगे अरे यार इसकी जो है, पर वो आपस में चले गए वापस। अच्छा, रसीद काटे यार मेन साहब, रसीद काटो तो मैं छूट जाता हूँ। हाँ सही है ना यार, बोले नहीं यार दादा ऐसा मत करो यार, ठीक है जी, हम रसीद नहीं काटेंगे। किसी की मर्जी होगी वो देके जाएगा प्रेम से, बिल्कुल। और नहीं देके जाए कोई जबरदस्ती नहीं, हमारा ये किस्मत का वो दे देते जी, बैठे बैठे जी। आता हूँ मैं आपके पास वापस, पहले किला दिखा दूँ। ये देखिए, देख लो आराम से। अच्छा, ये सामने मंदिर था, ये भगवान का किला, भगवान का मंदिर है। अच्छा, ये वाला। ओके शुक्ला जी, आइए दिखा देते। ये किले का मुख्य द्वार था अपने पीछे, और ये चारों तरफ बाउंड्री। और इधर राजमहल बता रहे थे दादा मेरे को, और ये सामने कृष्ण भगवान का मंदिर। तो इस किले को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, कच्चे रास्ते से हो के आए हैं, जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं मिला। शुक्ला जी बताएं, इस किले के बारे में आपको कैसा लगा यहाँ आके? फीलिंग राशि जी, और अनुभव कैसा रहा यहाँ की चीज़ों को देख के? चलिए अब भी थोड़ा आप बता नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आप देखिए आगे। ये है कृष्ण भगवान का मंदिर। अभी तो घास वास उगी पड़ी है सब यहाँ। ये यहाँ पर कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये अब तो खैर पूरा टूटा फूटा है, अब तो कुछ नहीं बचा। और ये मंदिर है, ये एक भवन था यहाँ, ये सब टूट पाट गया। और ये है मुख्य बावड़ी, जो पानी लेना रोज़मर्रा के काम में उसका। और इस किले में 4 सुरंगें हैं, जो हमने दादा से पूछा कि हमें बताएं, तो उनने बोला नहीं। ये देखिए बावड़ी, सीढ़ियाँ बनी नीचे जाने तक के लिए। ये देखिए, देखिए आप पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम यहाँ से उतर के आए, ये बावड़ी पूरी सूखी पड़ी है, और देख सकते हैं आप। पूरा अनुभव बताएं, कबूतर उतर उड़ उड़ के आ रहे हैं ऐसे। तो ये देखिए आप, और आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो आप यहीं से देख लीजिए। चलिए आइए, अब तो कई हिस्से टूट फट गए हैं, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से रख रखा है दादा ने। ये देखिए,
यहाँ से पानी जाता था इसमें बावड़ी में। अब ये सकरे रास्ते से होके जाना पड़ेगा, इधर से लेंगे उधर से दिखा दे। ये बावड़ी और ये सामने ऊपर दीवार पे चढ़ने का रास्ता।